चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। एसएससी एमटीएस पूछे गए क्वेश्चन का एक सेट लगाने वाले हैं जीके का। ओके चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। धन सिरी निम्नलिखित में से किसी सहायक नदी में किसकी सहायक नदी है? धन सिरी ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। खजी लोकगीत नींद में से किस साथ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। किस साथ से? उत्तर प्रदेश। किस साथ से? उत्तर प्रदेश। रानी की बाह की आकृति निम्नलिखित में से किस नोट की करेंसी पर मौजूद है? 100 की नोट की करेंसी पर। किसे? 100 की। चलते अगले प्रश्न पर। जुलाई 2019 में किन्हें विश्व बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? किन्हें? असूला कांत को। किसे? असूला कांत को। किसे? असूला कांत को। चलते अगले पेज पर। जुलाई 2019 में किन्हें विश्व बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? असूला कांत को। किसे? असूला कांत को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है? कौन सा है जम्मू एवं कश्मीर से? जल्दी जल्दी ऑप्शन कमेंट में दीजिए, जल्दी जल्दी। कौन सा है? अनुच्छेद 370। कौन सा? अनुच्छेद 370। कौन सा? अनुच्छेद 370। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74.04। कितना है? 74.04। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार? कौन सा होगा? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन। कौन सा? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन। चलते हैं अगले पेज पर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1994 में, 1991 में, 1993 में, 1992 में। कब किया गया? जल्दी ऑप्शन बताइए, कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 1991। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क? कहाँ है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। सब कौन सा होगा? कौन सा होगा? जल्दी ऑप्शन मणिपुर होगा। कौन सा होगा? मणिपुर। कौन सा होगा? मणिपुर। चार महान सत्य की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। कौन सा होगा? जल्दी ऑप्शन जल्दी जल्दी कमेंट में इन कीजिए। कौन सा होगा? बौद्ध धर्म। कौन सा होगा? बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से किसे वेट लिफ्टिंग में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 प्राप्त किया गया? किसे 2018 प्राप्त किया गया है? किसे? मीराबाई चानू को। किसे? मीराबाई चानू को। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति रखता है? कौन रखता है? राष्ट्रपति। कौन रखता है? राष्ट्रपति। डायनामाइट के आविष्कार कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबल। कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबल। इकबस कैप्टलस निम्नलिखित में से किस जानवर के वैज्ञानिक नाम है? घोड़ा का। किसका? घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इकबस कैप्टलस। चलते हैं अगले पेज पे। जून 2019 के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? जितना जल्दी हो सके कमेंट में आंसर पिन कीजिए। कौन है इसके अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? पल्लव महापात्रा। कौन है? पल्लव महापात्रा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के अच्छे प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है? कौन सा? कौन सा पुरस्कार? मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी। कौन सा? मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी। चलते अगले पेज। चलते अगले पेज पर। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 250। 250 नहीं। कितना है? 100 मीटर नहीं। कितना है? 200 मीटर नहीं। तो कौन होगा? ऑप्शन डी। कौन होगा? ऑप्शन डी, 253 मीटर। नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? कौन सा है? कौन सा जलप्रपात स्थित है? हुडरू, पायरा, पायरा, जोग, धोदा। कौन सा होगा? पायरा होगा। कौन होगा? पायकारा। पायकारा। कौन सा होगा? पायकारा होगा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? टोस नदी पर नहीं। कौन सा नदी होगा? नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर जो आपका आज का टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा।